तो गाइस कैसे हो? यहाँ अभी हम लोग आदि पुरुष को गरियाते हुए थके नहीं थे कि प्रभास भैया ने अपनी एक और मूवी अनाउंस कर दी। नहीं, यहाँ मैं सलार की नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के की बात कर रहा हूँ। जहाँ एक तरफ सभी को लगा था कि आदि पुरुष के इतनी बुरी तरह पिटने के बाद प्रभास का कैरियर एक बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जाएगा, यहाँ तक कि कई लोग प्रभास की एक्टिंग स्किल्स पर भी सवाल उठा रहे थे, मगर प्रोजेक्ट के और सलार के बाद अभी भी प्रभास के पास एक होप है इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इमेज फिर से रिकवर करने की। अच्छा। बात करें प्रभास पर लगे एलिगेशन की, तो सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि आदि पुरुष के लिए इन्होंने 150 करोड़ की फीस चार्ज की थी। तो 600 करोड़ के खर्च को ये बोल के जस्टिफाई किया जाता है कि 150 करोड़ तो प्रभास ने ले लिए, तो कुछ खास बजट नहीं बचा था मूवी को बनाने के लिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ ब्रह्मास्त्र का। अगर डायरेक्टर की नीयत अच्छी हो तो ऐसा कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है जिसका कि बजट अराउंड 300 से 350 करोड़ का था, जिसमें सभी एक्टर्स की फीस भी इंक्लूडेड है। क्रिंज डायलॉग्स की बात करें तो ये मत बोलो कि प्रभास को अच्छी हिंदी नहीं आती है, तो प्रभास को आधी बात समझ में भी नहीं आई होगी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और बात करें अगर विजुअल्स की, तो मूवी का शूट सिर्फ एक हॉल के अंदर ग्रीन स्क्रीन के सामने किया गया है, तो इसमें प्रभास या बाकी किसी भी एक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है। उन्हें क्या ही समझ में आया होगा कि आखिर आगे क्या आउटपुट रहने वाला है इनका। मेरी इस वीडियो का मकसद प्रभास को फुल्ली जस्टिफाई करना नहीं है। नो डाउट प्रभास की भी काफी सारी गलतियां थी, उन्हें प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए था अपने रोल के रिगार्डिंग। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए उन्हें अपने आप पर अच्छा खासा टाइम देना चाहिए था। प्रभु श्रीराम की जगह अमरेंद्र बाहुबली कभी नहीं ले सकता। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं, तो प्रोजेक्ट के इस मूवी का फाइनल नेम नहीं है, इस मूवी का फाइनल नेम आगे रिवील किया जाएगा। प्रोजेक्ट के का बजट समथिंग अराउंड 75 मिलियन US डॉलर बताया जा रहा है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 600 करोड़ रुपए होते हैं। इसमें कितने जीरो होते हैं तुम ही काउंट करके बता देना। मूविंग ऑन, तो प्रोजेक्ट के एक हिंदू मैथोलॉजिकल साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अश्विनी दत्त ने। इस मूवी को हिंदी और तेलुगु दोनों में ही शूट किया गया है। प्रभास के अलावा इस मूवी में हमें अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटनी भी देखने को मिलेंगी। डायरेक्टर अश्विन ने बताया कि इस मूवी के लिए उन्हें हाई एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही में काफी फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स चाहिए थे, जिसको ये लोग आदि पुरुष की तरह VFX से बना सकते थे। मैं यहाँ उस पुष्पक विमान कम चमगादड़ या ड्रैगन की बात कर रहा हूँ। खैर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्क्रैच से रियल व्हीकल्स को बनाने का सोचा और इसमें डायरेक्टर अश्विन ने मदद ली आनंद महिंद्रा जी की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा से, और ग्रीन स्क्रीन की जगह इन्होंने रियल के फ्यूचरिस्टिक सेट बनाए हैं रामोजी फिल्म सिटी में। प्रोजेक्ट के को अनाउंस तो नवंबर 2020 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई कोविड के बाद जुलाई 2021 से। हालांकि शूट के लिए उन्हें सिर्फ 80 से 90 दिन की जरूरत थी, लेकिन मूवी के डायरेक्टर अश्विन ने एक स्मार्ट अप्रोच ली और इस शेड्यूल को उन्होंने 7 से 8 दिन पर मंथ में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वालों को गैजेट्स बनाने और सेट डिजाइन करने में अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। और अब बात करें इस मूवी से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज की, तो जैसा कि आपको पता ही होगा हॉलीवुड में राइटर्स स्ट्राइक चल रही है, जिसके चलते इस साल होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में चलते हॉलीवुड का कोई भी मेजर मीडिया हाउस वहां पे प्रेजेंट नहीं रहने वाला, और इस मौके पे चौका मार दिया प्रोजेक्ट के ने। डायरेक्टर राज अश्विन ने ये अनाउंस किया कि उनकी मूवी प्रोजेक्ट के का एक पैनल रहेगा इस साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जिसमें होंगे ऑफ कोर्स डायरेक्टर नाग अश्विन, कमल हसन, प्रभास और दीपिका पादुकोण। शॉकिंग राइट? सो आपकी क्या थॉट्स हैं इस न्यूज के बारे में आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।